ओम शांति। हम सभी इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हैं, जो भगवान के बहुत समीप आ गए, जो भाग्य विधाता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, उसके अति समीप आ गए। भगवान हम पे मेहरबान हो गया। सच तो ये है, अपने पवित्र बच्चों पर, अपने योगी बच्चों पर वो बहुत प्रसन्न रहता है। ये आत्माएं तो मानो उसके दिल तख्त पर निवास करती हैं, अर्थात भगवान उन्हें बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से चाहता है। तीन तख्त हैं, बाबा का दिल तख्त, व्यक्ति का तख्त और भविष्य का तख्त। तीनों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान का दिल तख्त। कोई ये न सोचे कि भगवान को तो दिल है नहीं, ये दिल शरीर की बात नहीं है, ये प्यार की बात है, ये मन बुद्धि की बात है। जो भगवान के दिल पर राज करते हैं वही विश्व पर भी राज करेंगे, और जो स्वयं पर राज करते हैं वे भगवान के दिल तक नसीन भी बन जाते हैं। सोचना है कौन सी आत्माएं भगवान के दिल तक नसीन बनती हैं, अर्थात उन्हें वो बहुत चाहता है, शिव बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत मदद करता है, उनके दुख वो देख नहीं सकता, उनको सदा योगी बनने की प्रेरणा देता रहता है, बल देता रहता है। ऐसी वे आत्माएं होंगी, पहला, जो बहुत पवित्र हों, जिन्होंने कर्मेंद्रियों को जीत लिया हो, क्योंकि भगवान को पवित्र आत्माओं की जरूरत है इस प्रकृति को पावन बनाने के लिए और इस सृष्टि पर सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। कोई सोच सकता है वो स्वयं ही क्यों नहीं बना देता। इसका उत्तर है कि संपूर्ण प्रकृति से नाता आत्माओं का है। प्रकृति मनुष्यों की पालना के लिए है और मनुष्यों की स्थिति का प्रभाव संपूर्ण रूप से प्रकृति पर पड़ता है। हमें बाबा से ही पवित्रता के वाइब्रेशंस लेकर सारी प्रकृति को फैलाने हैं, देने हैं, तो इनडायरेक्टली ये बाबा ही करता है, लेकिन उसको हमारी जरूरत है ये वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, क्योंकि प्रकृति से वो परे है, इसलिए प्रकृति डायरेक्ट उसके वाइब्रेशंस को तो रिसीव नहीं करेगी। फिर राज भी हमें लेना है तो स्थापित भी हमें ही करना है, मेहनत भी हमें करनी है। तो एक, बहुत पवित्र आत्माएं उसके दिल तक नसीन है। दूसरे, जो उसकी कही हुई मुख्य धारणाओं को जीवन में साकार करते हैं। पहली, बहुत सुख देना सबको। दूसरी, सत्यता पर चलना। तीसरी, संपूर्ण निरहंकारी बनना, सरल चित्त बनना, यज्ञ में बहुत ही सुखदायी स्वरूप रख कर रहना। और तीसरी धारणा है, जो उसके स्थापित किए हुए यज्ञ में सच्चे दिल से मदद करते हैं, जिसको उस मदद की रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, जो उसके प्यार में सब कुछ बलिहार कर देते हैं, जो उसके प्यार का प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स देते हैं, उन पर भगवान राजी रहता है। और चौथा, जो उसके आज्ञाकारी हैं। सचमुच आज्ञाकारी आत्माएं कितनी प्रिय होती है, एक बाप के माँ के आज्ञाकारी बच्चे उन्हें कितने प्रिय लगते हैं। हम भी बाबा के दिल तक नशीन बन जाएं, इन सभी बातों पे ध्यान दें, उसकी मुरली पर भी ध्यान दें, उसके ज्ञान पर भी ध्यान दें, जो उसने सब बातें कही अमृत वेले की उस पर भी ध्यान दें, तो हम बाबा के दिल तक नशीन बनकर रहेंगे और ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य होगा। और ऐसी आत्माएं ही विजयमाला के मोती बन जाएंगी और उन्हें अनुभव होगा कि विनाश काल में बाबा उनके सिर पर चक्र छाया के रूप में सदा स्थित है, अर्थात वे सुरक्षित हैं। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि मैं भगवान के दिल तख्त पर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ।
स्वयं को ब्रह्मकुटी सिंहासन पर विराजमान देखेंगे। मैं मालिक हूँ, तेजस्वी हूँ, बाबा को बहुत प्रिय हूँ और बाबा भी मुझे बहुत प्रिय है। ओम शांति।